दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जूलियट नाम की लड़की से, जो एक बंजर और सुनसान शहर में अपनी वैन से अकेले सफर कर रही थी, क्योंकि ये पूरा शहर तबाह हो चुका है और यहाँ के सभी लोग भी मारे जा चुके हैं। अब जिंदा थी तो जूलियट और उसकी कम्युनिटी के 36 लोग, जिनके लिए खाने और रोजमर्रा की चीजों की तलाश में जूलियट यहाँ भटक रही है। वैन में जूलियट के साथ एक बंदूक, कुछ प्लायर्स और अपने पति की फोटो है, जिसे वो बहुत मिस करती है। कुछ दूर चलने के बाद जूलियट की नजर एक गैस स्टेशन पर पड़ती है और वो वहाँ कुछ देर रेस्ट करने की सोचती है, पर कुछ अजीबोगरीब आवाजों के चलते जूलियट डर के मारे इस गैस स्टेशन को छोड़ देती है। दरअसल पूरे शहर में एपोकलिप्स फैला हुआ है, जिसकी वजह से शहर में अजीब से दिखने वाले क्रिएचर घूम रहे हैं जो इंसानों को मार के खाते हैं। ये क्रिएचर दिन में तो छुप जाते हैं, लेकिन रात में बाहर निकलकर लोगों पर हमला करते हैं। गैस स्टेशन से जूलियट ने जो आवाजें सुनी वो भी इन्हीं क्रिएटर्स की थी जो यहाँ छुपे हुए हैं। यहाँ जूलियट वैन में बैठती है और यहाँ से जाने लगती है। साथ ही इंटरकॉम के जरिए अपने कमांडर से बात करती है, जो उसे उन क्रिएचर के बारे में बताता है और अपना काम सेफली करने को कहता है। जूलियट डर जाती है और देखती है कि इंटरकॉम की बैटरी डेड होने वाली है। साथ ही उसके पास ज्यादा सामान भी नहीं था और रात भी होने वाली थी, इसलिए जूलियट लॉन्ग रूट को छोड़कर शॉर्ट रूट पर वैन घुमाती है, जहां कुछ दूर जाने पर उसे एक और वैन नजर आती है। जूलियट जब इस वैन के पास जाती है तो एक आदमी को देखती है जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। यह आदमी बताता है कि पिछली रात उस पर क्रिएचर ने हमला किया था, जिससे उसने वैन में बंद कर दिया है। ये आदमी जूलियट से खुद को मारने के लिए कहता है, क्योंकि अब उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जूलियट को भी रात को उन क्रिएचर्स का सामना करना था, इसलिए वो बुलेट वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जूलियट समझदारी दिखाते हुए वैन के अंदर जाती है और उस क्रिएचर को शूट करती है, साथ ही जरूरत का सामान लेकर बाहर आ जाती है। इधर ये आदमी भी मौत की नींद सो चुका होता है। अब क्योंकि रात होने वाली है, इसलिए जूलियट स्पीड में अपनी वैन को दौड़ाती है ताकि जल्दी से बेस में पहुंच सके। पर इसी बीच उसकी नजर अपने पति की तस्वीर पे पड़ती है, जिसे देखकर वो डाइवर्ट हो जाती है, जिससे उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन सीधा शिफ्ट होता है पास्ट में, या वो क्लिप से पहले का टाइम है जब सब कुछ खुशहाल है। यहाँ हम जूलियट को देख रहे हैं जो कुछ खाते खाते फ्रेश बेकन की तस्वीर को एक तक देखी ही जा रही थी। इतने में इस आर्ट गैलरी का मालिक जैक आता है। जैक जूलियट से कहता है कि क्या तुम्हें ये पेंटिंग या बेकन पसंद है। जूलियट कहती है, वो तो सिर्फ फ्री का खाना खाने आई थी। जूलियट की बातें सुनकर जैक भी समझ जाता है कि इसे पेंटिंग्स की जरा भी नॉलेज नहीं है। बातों ही बातों में जूलियट कहती है कि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो बस यहाँ यूं ही आ गई। जैक जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है जो दिखने में थोड़ी वियर्ड थी। जैक कहता है कि इस तस्वीर को तुम भी अगली तरह से देख रही हो, लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये पेंटिंग असल में बहुत खूबसूरत है। यानी जैक जूलियट को अंदरूनी खूबसूरती का पाठ पढ़ा रहा है। खैर, अब क्योंकि जैक का सोचना था कि उसे और जूलियट को गॉड ने मिलाया है, इसलिए वो अगले दिन जूलियट से फिर मिलता है और उसे अपने घर लेके जाता है, जहां जैक का आलीशान घर देख जूलियट का मुंह खोला का खुला रह जाता है, क्योंकि जैक बहुत अमीर है और जूलियट बहुत गरीब है। कुछ देर तक दोनों बात करते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों के ही पेरेंट्स बचपन में गुजर चुके हैं। बातों ही बातों में जूलियट को अजीब सा फील होता है और वो यहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद जैक जूलियट को एक रेस्टोरेंट में देखता है, जहां वो किसी बुजुर्ग आदमी के साथ बैठी हुई थी। जैक को जब पता चलता है कि जूलियट ये सब पैसों के लिए करती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जूलियट के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि जूलियट ने घर का रेंट नहीं दिया था। जैक इसकी मदद करता और घर के अंदर आकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन जूलियट जैक को सुनाते हुए घर से बाहर भेज देती है। जैक भी चुपचाप यहां से चला जाता है और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां जूलियट बहुत बुरी हालत में जैक के घर पहुंचती है। जूलियट की बॉडी और चेहरे पर चोट के निशान हैं, जो उसे उन्हें गुंडों ने दिए हैं। जैक जूलियट की ये कंडीशन देखकर उसे घर के अंदर लाता है और पूरी पूरी मदद करता है, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन जूलियट इस बात से बेखबर थी। अब क्योंकि जूलियट को भी नशे की आदत थी, तो ठीक होने के बाद वो ड्रग्स लेने के लिए जाती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है, जिस वजह से जूलियट को गुस्सा आता है और वो उसके घर का सामान तोड़ना शुरू कर देती है। पर जैक जैसे तैसे करके उसे कंट्रोल करके गले से लगा लेता है। जैक चाहता है कि जूलियट इस नशे की लत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए, इसलिए वो शहर से बाहर एक बड़ा सा घर लेता है और जूलियट के साथ शादी करके वही शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन के बाद जूलियट खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन डिलीवरी टाइम में बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिस वजह से दोनों बहुत दुखी होते हैं। जैक जानता है कि ये सब जूलियट की वजह से हुआ था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो खुद भी काफी दुखी था। मगर अब जूलियट पहले से ज्यादा नशे की शिकार हो जाती है और रात रात भर नशे की हालत में घर से बाहर रहना शुरू कर देती है। पर जैक हर रोज उसे ढूंढ कर घर ले आता है, लेकिन एक दिन जब ये दोनों कार में बैठे होते हैं, तो दोनों के बीच बहस हो जाती है। जूलियट जैक को अपने बच्चे की मौत के लिए ब्लेम करती है, इसलिए जैक गाड़ी से निकलकर सबवे की तरफ जाने लगता है, जबकि जूलियट बार में जाकर शराब पीना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जैक उसे फोन करता है, लेकिन जूलियट उसे इग्नोर करती है। पर तभी टीवी पर न्यूज आती है कि सबवे के पास एक केमिकल अटैक की वजह से 40 लोग की मौत हो चुकी है। ये देखकर जूलियट घबरा जाती है, क्योंकि जैक भी वही गया था, इसलिए वो फोन उठाकर जैक को कॉल करती है, लेकिन फोन जैक नहीं बल्कि कोई और उठाता है और कहता है कि जैक हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। जूलियट फॉरेन हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर जैक सच में
बहुत बुरी हालत में था। जैक बोल नहीं सकता था, इसलिए वो एक बोर्ड पर लिखकर जूलियट को आई लव यू कहता है। जूलियट भी दुख से भर जाती है और रिग्रेट करती है कि अगर उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ होता तो आज जैक के साथ ये सब ना होता। जूलियट रोने लगती है क्योंकि वो जैक को खोना नहीं चाहती थी। कहानी सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होती है जहाँ जूलियट हॉस्पिटल में आती है, पर वो देखती है कि जैक का बेड खाली है। डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया था, इसलिए उसकी डेथ हो गई और हमें इसका फ्यूनरल भी करना पड़ा। ये सुनकर जूलियट पूरी तरह से टूट जाती है और जैक के साथ बिताए हुए लम्हों को वो याद करने लगती है। जूलियट अब बिल्कुल अकेली है और इसी के साथ कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ जूलियट को होश आ रहा है, लेकिन उसका पैर वैन में अटक चुका है। जूलियट को पास में पड़ी गन भी नजर आ रही है जिसे खींचने के लिए वो एक वायर की मदद लेती है और कामयाब नहीं हो पाती। आखिरकार जूलियट हिम्मत करती है और दर्द को सहते हुए अपने पैर को बाहर निकाल लेती है और देखती है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है और वो बाहर आ रही है। दर्द बहुत हो रहा था, पर जूलियट उस पर अल्कोहल डालकर अपने ही हाथ के हड्डी को अंदर करके पैर को बांध लेती है। साथ ही रेडियो के जरिए बेस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किसी से बात नहीं हो पाती। अपनी सेफ्टी के लिए जूलियट बंदूक को जल्दी से उठाती और वापस से वैन में आ जाती है, क्योंकि रेडियो की आवाज से अट्रैक्ट होकर एक अजीब सा क्रिएचर वहां आ चुका था। ये बिल्कुल इंसानों के जैसा था, लेकिन अगली शक्ल वाला असल में ये सभी क्रिएचर पहले इंसानी थे, लेकिन उस धमाके की वजह से बचने वाले सभी इंसान क्रिएचर में बदल गए और ये वही धमाका था जिसमें जैक की मौत हुई थी। इधर जूलियट को रेडियो पर बेस से कुछ आवाजें आती हैं, पर इससे पहले कि उसकी किसी से भी बात हो पाती, उसकी आवाज सुनकर ये क्रिएचर भी जूलियट के पास आना शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए जूलियट रेडियो को बाहर फेंक देती है और क्रिएचर भी उस रेडियो को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके साथ ही जूलियट कुछ लाइट्स को बाहर फेंक दिए ताकि इनकी लाइट से रेडियो को देख सके, पर बुरी किस्मत की लाइट्स के चलते इस क्रिएटर की नजर भी जूलियट पर पड़ती है और वो जूलियट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जूलियट भी उस क्रिएचर को देख लेती है, इसलिए वैन में बैठकर गन पॉइंट पर उसका इंतजार करती है, पर ये क्रिएचर पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जूलियट वैन का एक्सीलेटर दबा देती है, जिस वजह से क्रिएचर डर जाता है और जूलियट को छोड़ देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा हमला करता है और इस बार जूलियट उसे शूट कर खुद से दूर कर देती है। इतने में बेस से रेडियो पर कॉल आता है और वो जूलियट को अपना ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करने को कहते हैं ताकि वो उसे लोकेट कर सके। जूलियट भी ऐसा ही करती है, पर बाहर वो क्रिएचर अब भी उस पर हमला करने की फिराक में था। अपनी इसी कोशिश में ये क्रिएचर वैन का सामने वाला शीशा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जूलियट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार जूलियट वैन की हेडलाइट चला देती है जिससे ये क्रिएचर भाग जाता है, क्योंकि ये ज्यादा रोशनी में नहीं रह सकते थे। अब जूलियट भी बेस पर कॉल करती है, पर निराश हो जाती है क्योंकि बेस वाले खुद मुसीबत में थे और वो जूलियट को कहते हैं कि अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर जूलियट पूरी तरह से टूट जाती है। इतने में यहाँ से एक और वैन गुजरती है जिसकी आवाज सुनकर जूलियट हेल्प के लिए चिल्लाती है। जूलियट की आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आता है, लेकिन उसे बचाने की जगह उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि ये चोर और गुंडे थे जो लोगों को लूट के मार डालते थे। पर इतने में यहाँ वही क्रिएचर आता है और इस गुंडे को मारकर खाने लगता है। ये देखकर जूलियट बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये नजारा वाकई में बहुत डेंजरस था, इसलिए वो खुद को ही शूट करने का डिसाइड करती है, लेकिन हिम्मत ना होने पर रुक जाती है और इन क्रिएटर का मुकाबला करने का डिसाइड करती है और फ्लैश पेट्रोल की केन लेकर बाहर आती है और फ्लैश चलाना शुरू कर देती है। पर रोशनी देखकर क्रिएचर जूलियट के पास आता है, लेकिन पेट्रोल कैन के पास आता ही जूलियट उसमें शूट करती है। अब पेट्रोल कैन फट जाती है, पर ये क्रिएचर बच जाता है और जूलियट पर अटैक करता है, लेकिन जूलियट उसे शूट कर देती है और क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी इसलिए खुद भी वही लेट जाती है और उसकी यही आंख लग जाती है। सुबह होने वाली थी, पर तभी क्रिएचर की आंख खुलती है और वो जूलियट के करीब आता है। जूलियट घबरा जाती है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी है। वही क्रिएचर भी जूलियट को नुकसान पहुंचाने की जगह उसको बिल्कुल वैसे ही टच करता है जिसे जैक किया करता था। ये देखकर जूलियट समझ जाती है कि जैक उस दिन मरा नहीं था, बल्कि वो भी क्रिएचर बन गया था और पिछली रात वो जूलियट की रक्षा कर रहा था, जबकि जूलियट कुछ और ही समझ रही थी। इसी बीच जूलियट को जैक की वो अगली पेंटिंग वाली बात याद आती है और वह समझ जाती है कि उन्हें गॉड नहीं मिलाया। साथ ही वह जैक से कहती है कि वो भी उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन अब जूलियट खुद को और जैक को शूट करके मार डालती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जैक किसी और को नुकसान पहुंचाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।